बिल्कुल आसान तरीका है बेल बनाने का। लोग इसमें बहुत सारी चटनियां भी डालते हैं, ये बस मैंने आसान तरीके से बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिनी किचन। आज की हमारी मिनी किचन की रेसिपी है मिनी भेल। तो ये रेसिपी हमारी बना रहा है रियान। तो अब रियान से पूछते हैं रियान किस तरीके से बनाता है और हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये भेल के लिए ना हमारे पास निमको है, ये है लेज, ये नींबू है, ये नमक और ये लाल मिर्च पाउडर, ये प्याज है जिनको ना हमने बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ था, और ये टमाटर है। ठीक है, इनको तो भी बारीक चॉप कर हाँ, लिए। तो अब सबसे पहले इसमें निमको डालते हैं। ये इतनी हमने निमको डाली है, अब लेज ये को लेज, डालते हैं। चूमर करके डालना है लेज का, बिल्कुल। लेज को भी हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर डालेंगे प्याज, ये चले गए प्याज, और ये है टमाटर, और ये नींबू, हमें इसके ऊपर नींबू डाल देंगे एक। जितना खट्टा आपको चाहिए उतना डाल सकते हैं, नमक मिर्च भी जितनी आपको चाहिए उतनी डाल सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है भेल बनाने का। लोग इसमें बहुत सारी चटनियां भी डालते हैं, ये बस मैंने आसान तरीके से बनाई है। ये नमक है और ये लाल मिर्च पाउडर, अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये रियान की अपनी रेसिपी होती है जो भी ये बनाता है। हमारे घर की जो भी रेसिपीज होती हैं आपको YouTube पर ऐसी रेसिपीज इस तरह की नहीं मिलेंगी। हर चीज़ बनाते हैं लेकिन हमारे वाला जो तरीका है वैसे आपको नहीं मिलेगा YouTube पर। ये देखो, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। डिश आउट नहीं, मुंगरी आउट। डिश आउट होता है रियान, मुंगरी आउट, प्याली आउट। ये देखें जी, रियान की बनी हुई मिनी भेल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। रियान की रेसिपीज अगर आपको पसंद आती हैं जिसको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को याद से दबाएं ताकि डेली की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखें अभी खाना शुरू कर दिया इसने। बहुत मजेदार है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।